बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा हश्शाम इलाही साहब के ऊपर। नाज़रीन, अल्लामा हश्शाम इलाही साहब जो है उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। जब से ये शेख रशीद का बयान सामने आया है और शेख रशीद के इस बयान के बाद नाज़रीन एक अहम तरीन गुफ्तगु सामने आई है और एक अहम तरीन बात सामने, वो ये है कि अल्लामा हश्शाम इलाही ज़हीर साहब जो है उनका रब्ता हुआ है तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साहब सैदी साहब से। ये रब्ता टेलीफोनिक रब्ता था और इस चीज की जो तस्दीक है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने नहीं बल्कि अल्लामा हश्शाम इलाही ज़हीर साहब ने की है। और उन्होंने कहा कि ईद के बाद, यानी ये जो ईद उल फित्र है, रमजान करीम के रोजे चल रहे हैं, जैसे इख्तिताम पजीर होंगे ईद होगी और ईद के बाद ये एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात में जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है इस पर भी बातचीत होगी, दूसरा मजहबी हवाले से भी बातचीत होगी और इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत होगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी रहमतरी न्यूज जो है वो सामने आ रही है और ये टेलीफोन रब्ता हुआ है जो शेख रशीद ने बयान दिया। इस बयान के बाद जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान में फसाद चाहता है, फसाद फैलाना चाहता है, इस सवाल से ये गुफ्तगू हुई है जो आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर की जा रही है। इस वक्त जैसी मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।